मैं आज आपसे प्योर राजस्थानी रेसिपी शेयर करूंगी। राजस्थान में ये सब्जी इनकी शादियों में भी बनाई जाती है। जितनी देखने में मज़ेदार है इतनी खाने में भी मज़ेदार है। चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे राजस्थानी अरवी, खट्टी अरवी। सबसे पहले हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे, फिर एक कुकर लेंगे। अच्छे से वॉश करके हम सारी अरवी कुकर में डाल देंगे। एक किलो अरवी है ये, इसमें हम पानी डाल देंगे, खुला पानी डाल दें। अब कुकर को हम बंद कर देंगे, फ्लेम ऑन कर देंगे। सीटी चलने के बाद 2 मिनट तक हम इसे पकाएंगे, अरवी को बॉईल करेंगे, उसके बाद मिलते हैं। 2 मिनट हो गए, कुकर हम खोल लेंगे। अरवी हमारी बॉईल हो गई, हम अब अरवी को निकाल लेंगे। अरवी को थोड़ा ठंडा होने देंगे और इसकी सारी स्किन हम उतार लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमने सारी अरवी छील ली। इस तरह छील के सारी हमने काट लेनी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। कढ़ाई मैंने चूल्हे पे चढ़ा ली है, अब इसमें मैं ऑयल डालूंगी। हमारा फूल गर्म हो गया, अब हम इसमें अरवी थोड़ी थोड़ी करके फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। ये हमारी अरवी फ्राई होगी, 1 से 2 मिनट लगेंगे अरवी फ्राई होने में। सारी अरवी निकाल लेंगे, बाकी बची हुई अरवी भी हम फ्राई कर लेंगे। अरवी सारी मैंने निकाल ली है, अभी इसी आयल में थोड़े से आयल में 2 अदद प्याज फ्राई करेंगे। प्याज हल्के से फ्राई हो गया, अब हम इसमें 2 अदद टमाटर डाल देंगे। थोड़े लफ्स मैंने काट लिए, 1 मिनट तक टमाटरों को हम फ्राई करेंगे ताकि टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। टमाटर हमारा सॉफ्ट हो गया, अब हम इस तरह का जग लेंगे, सारे टमाटर और प्याज इस पर डाल देंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हमारा तैयार हो गया, बाउल में निकाल लेंगे पेस्ट। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। 1/2 कप दही लेंगे हम, इसमें स्पाइसेस मिक्स करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, नमक हसबे जायका, 1 पिंच सूखी मेथी, 1/2 टेबल स्पून आमचूर पाउडर। इनको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। प्याज और टमाटर के पेस्ट में हम इसे मिक्स कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। हांडी मैंने चूल्हे पे चढ़ा ली है, फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। इसमें डालेंगे 1 कप ऑयल, लहसुन अदरक का पेस्ट 1/2 टेबल स्पून,
इसका हम तड़का लगाएंगे। लाल मिर्च, जीरा और तेज पत्ते से खुशबू के लिए। अब हम इसमें डाल देंगे ये मिक्स किया जो मसाला रखा था वो सारा। मसाले को हम फ्राई कर लेंगे। मसाला हमारा भुन चुका है, मसाले नारियल छोड़ दिए। अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई की हुई हल्दी। मसाले में हम इसे 2 से 3 मिनट तक ढक के पकाएंगे, इसके बाद मिलते हैं। 2 मिनट हो गए अरवी को पकते हुए। तो देखिए हमारी अरवी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम थोड़ा सा ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे धनिया। माशाल्लाह से लुक देखें इसकी, ऐसा लगता है जैसे चिकन कढ़ाई बनाई हो। चूल्हा मैंने बंद कर दिया, मिट्टी की हांडी में पकाएं तो थोड़ी देर इसका पकने का प्रोसेस चलता रहता है। ये हांडी थोड़ी देर में ठंडी होती है। ये देखें माशाल्लाह से हमारी खट्टी अरवी बिल्कुल रेडी है, राजस्थानी अरवी। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।